हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है डीसी एथ फॉल्ट डिटेक्शन। कोई भी हमारा जो रिलायबल सप्लाई सिस्टम से, लाइक हम लोग पहले जैसे वीडियोस बनाया था उसमें हम लोग बैटरी चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था, यूपीएस सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था, या नहीं तो कोई भी बैटरी बैंक है, अगर उस केस में हम लोग इसका जो एर्थ फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका एर्थ फॉल्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल समझ लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको समझने के लिए, ये एक में सिस्टम लिया था, एक बैटरी बैंक लिया था, एक 110 वोल्ट का बैटरी बैंक लिया था। आप इसकी जगह कोई भी आप बैटरी चार्जर का सिस्टम ले लीजिए, या नहीं तो कोई भी यूपीएस सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, उसमें भी आपको यही होता है। ठीक है, सेम आप कहीं पे भी रिप्लेस कर दीजिए। बेसिकली वो उसको सब सिस्टम्स में क्या होते हैं, जनरली लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मतलब अनग्राउंडेड सिस्टम, लाइक ये हमारा अनग्राउंडेड सिस्टम जैसे ही है। ठीक है, अगर इस सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लोग जैसे पहले एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, अगर आप लोग मिस हो गए तो वो वीडियो देख लीजिए, नेसेसिटी ऑफ ग्राउंडिंग और डिफरेंट ग्राउंडिंग्स के बारे में हम लोग उस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था, इसका पूरा फिलॉसफी और इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया था। अगर आप मिस हो गए तो वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो का टॉपिक आज हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा जितना भी हमारा रिलायबल पावर सप्लाई से, लाइक बैटरी बैंक कहीं पे भी यूज़ करते हैं, वो हमारा रिलायबल पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट हमको बैकअप के लिए यूज़ होगा। आया नहीं है तो आप कोई भी बैटरी बैंक सिस्टम में या यूपीएस सिस्टम में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम में, या नहीं तो कोई भी आप बैटरी चार्जर का सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करते हैं, उसमें आपको कहीं पे भी आपको ग्राउंडिंग नहीं दिखते हैं। आप इसका बैटरी चार्जर में, या नहीं है तो बैटरी बैंक में, यूपीएस में, कहीं पे भी देख लीजिए, इसका आउटपुट में कुछ भी ग्राउंडिंग नहीं दिखते हैं, प्योरली दो टर्मिनल दिखते हैं, इसको हम लोग फ्लोटिंग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में आपको क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड, सबसे पहले इसमें ऐसे हम लोग सिस्टम को छोड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या है देख लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा जो जो रिलायबल सप्लाई जो हम बोल रहे हैं, उसका जो लोड है डिफरेंट लोकेशंस में फीड हो सकते हैं, ठीक है, और वहाँ आपको कोई कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमको कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल एक जगह अर्थ फॉल्ट हुआ फ्रेंड्स पॉजिटिव सर्क्यूट में, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका सिस्टम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जो लोड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। ठीक है, अनग्राउंडेड सिस्टम में सबसे बड़ी एडवांटेज है, आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख ऐसे ही आपको इनकेस नेगेटिव में भी अगर हो गया था, ठीक है, कहीं पे भी नेगेटिव सर्किट में भी कहीं पे भी ग्राउंडिंग हो गया, ठीक है, वो सॉलिडली ग्राउंडिंग दिखाया था मैंने, ये सॉलिडली या नहीं तो रेसिस्टेंस या हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग, कुछ भी ग्राउंडिंग हुआ आपको, ठीक है, आपको सिंगल ग्राउंडिंग से आपको सिस्टम में कुछ भी अंतर नहीं पड़ते हैं, आपका सिस्टम कहीं पे भी ट्रिपिंग नहीं होते हैं और आपका सिस्टम में बहुत रिलायबली चलेगा। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये ग्राउंडिंग फॉल्ट हुआ था, लेकिन इस सिस्टम में, इस सिस्टम ऐसे छोड़ेगा तो कहीं पे भी आपको ग्राउंडिंग हुआ, ठीक है, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आगे बता देंगे क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मल सिस्टम से, आप इसको कोई डिटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है आपको, अगर आप ऐसे ही आइसोलेटेड जैसे छोड़ दिया तो सिस्टम को ऐसे आइसोलेटेड छोड़ दिया तो, या अनग्राउंडेड सिस्टम जैसे छोड़ दिया तो आपको आपको डिटेक्शन मेथड ही नहीं है कोई आपको। ये क्यों नहीं है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग को फॉर एग्जांपल दोनों जगह आपको ग्राउंडिंग, दोनों जगह अगर फॉल्ट हो गया तो क्या होगा, आपको कंप्लीटली सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही एक ग्राउंड फॉल्ट हुआ था, ठीक है, एक ग्राउंड फॉल्ट हुआ, आप उसमें अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि आपको डिटेक्शन मेथड ही नहीं है कोई, आपको ग्राउंड फॉल्ट हुआ बोलने के लिए, तो आपको कोई डिटेक्शन मेथड नहीं है तो आपको ये पता नहीं चलेगा अगर जब नेक्स्ट ग्राउंड फॉल्ट होता है ये एक फॉल्ट जैसे क्रिएट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अनग्राउंडेड सिस्टम में। अनग्राउंडेड सिस्टम में यही डिसएडवांटेज है, आपको सिंगल एर्थ फॉल्ट का वजह से आपको सिस्टम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, लेकिन वो सिंगल एर्थ फॉल्ट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते बेसिकली।
ठीक है, आपको डिटेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका वोल्टेज एकदम सही दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको जब दूसरी अर्थ फॉल्ट होते हैं, ठीक है, तब आपको सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम आपको इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप बेसिकली इसीलिए अनग्राउंडेड सिस्टम में जाने का कोई आपको ये नहीं, मतलब जैसा आप अनग्राउंडेड सिस्टम में पहले पहले इसीलिए जाता था, आपको कोई भी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 90% ऑफ द फॉल्ट से ग्राउंड रिलेटेड फॉल्ट से, सिंगल सिंगल लाइन टू ग्राउंड या सिंगल ग्राउंड फॉल्ट से, हमारा ग्राउंड फॉल्ट ही, हमारा 90% से ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से ग्राउंड फॉल्ट ही है। बहुत रेयरली होते हैं हमारा फेस टू फेस फॉल्ट या लाइन टू लाइन फॉल्ट, बहुत रेयरली होते हैं। इसीलिए अगर आप अनग्राउंडेड सिस्टम यूज़ कर दिया तो, ये ग्राउंड ही नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको 90% फॉल्ट को आप अवॉइड कर दिया, इसीलिए आपको रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा सोचकर इनिशियली हमारा अनग्राउंडेड सिस्टम आया था। लेकिन मैं जैसे बताया फ्रेंड्स, अनग्राउंडेड सिस्टम में दो प्रॉब्लम है, एक हमारा, हमको सिंगल ग्राउंड फॉल्ट में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, सही मेथड से हम लोग इसका ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम है इसका, जैसे ही इसका सिंगल ग्राउंड फॉल्ट होता है तो इसका क्या हो रहा है, हमारा दूसरा सिस्टम का वोल्टेज आपको बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं आगे बता देता हूँ फ्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा ये दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जनरली हम लोग अनग्राउंडेड सिस्टम को कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारा यूपीएस डीसी बैटरी सिस्टम या डीसी बस कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। लोग इसको फ्लोटिंग ग्राउंड बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो फ्लोटिंग ग्राउंडेड नहीं है, वो एक्चुअली क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग होते हैं, ठीक है। हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग कैसे होते हैं वो हम अभी हमको आपको समझा देता हूँ फ्रेंड। इसको अभी हम लोग कोई भी सिंगल ग्राउंड फॉल्ट है उसमें हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये सिस्टम को ट्रिप नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमको पता होना चाहिए इसमें फॉल्ट हुआ था सिंगल ग्राउंड फॉल्ट, सो दैट हम लोग इसमें अटेंड कर देंगे और इसको हटा देंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। आपका लोड सेट कुछ भी इंटरप्शन नहीं करके हम लोग उस ग्राउंड फॉल्ट को क्लियर करके सिस्टम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलने देते हैं, हम सिस्टम को इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट से आया था हमारा हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे जो नेसेसिटी ऑफ ग्राउंडिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग का वीडियो में इन डिटेल इसका फिलॉसफी पूरा बताया था, इसीलिए उस वीडियो देख लीजिए आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे फ्रेंड, एक हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग बनाना है, लेकिन किसका साथ बनाना है, पॉजिटिव के साथ बनाना है या नेगेटिव के साथ बनाना है, ठीक है, वो आपको हमेशा कन्फ्यूजन है। इसीलिए आपको सिंगल सिस्टम में, जैसे थ्री फेज सिस्टम में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका स्टार पॉइंट को आप जो ग्राउंडिंग बनाना है उसको ग्राउंडिंग बना सकते हैं, लेकिन आप जैसे ये डीसी का सिस्टम है नहीं तो यूपीएस का फेज ऑफ न्यूट्रल का सिस्टम है, उसमें आपको किसको ग्राउंड करना है वो आपको पता नहीं है। अगर आप वो पता नहीं है, इसीलिए अगर आप इसको किसी को भी ग्राउंड भी करेगा तो हाई रेसिस्टिव के साथ दूसरे के साथ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में मैं आपको नेगेटिव को फॉर एग्जाम्पल हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव में कुछ भी फॉल्ट आता है तो इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस साइड कोई भी फॉल्ट आता है तो, ठीक है, वो ओनली पॉजिटिव साइड का फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो हाई रिलायबल सिस्टम में आपको टू वायर सिस्टम है, हर जगह आपको दो वायर जाते हैं तो इसको आपको पॉसिबल ही नहीं है, कहीं एक जगह आप इसको ग्राउंडिंग नहीं कर सकते हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों जगह ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, दोनों जगह ग्राउंड करने के लिए इसको एक्चुअली अगर आप देखेगा तो फ्रेंड, जैसे पहले सिस्टम है ये आपका, इस सिस्टम में अगर आप एक मल्टीमीटर लगा दोगे, ठीक है, एक मल्टीमीटर लगा के अगर इसमें वोल्टेज आप मेजर कर दीजिए, मल्टीमीटर का जो रेड टर्मिनल है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगा दीजिए और नेगेटिव में नेगेटिव को लगा दीजिए, ये हमारा 110 वोल्ट सिस्टम में आपको यहाँ आपको प्लस 110 वोल्ट दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इनकेस आप इसका उल्टा में कनेक्ट करिए, ठीक है, पॉजिटिव में आपको नेगेटिव टर्मिनल लगा दीजिए और नेगेटिव में आपको पॉजिटिव टर्मिनल लगा दीजिए, तब आपको क्या होगा, ये आपको -110 वोल्ट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप रिवर्स रीड कर रहे हैं, -110 वोल्ट रीड करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इस सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड के साथ मेजर कर रहे हैं वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव में एक लीड लगा दिया और नेगेटिव को बहुत बार हम लोग करते हैं, ठीक है, नेगेटिव को ग्राउंड में लगा देते हैं, ठीक है, आपको कभी भी ये सिस्टम आपको
फ्लो अनग्राउंडेड सिस्टम में नहीं पता करने के लिए यही मेथड रेफरेंस। सबसे पहले आपको किसी भी टर्मिनल पे आप रीड लगा दीजिए और दूसरे टर्मिनल को आप सिस्टम ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तब यहाँ वोल्टेज आपको फ्लोटिंग वोल्टेज मिलेगा, एक वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको। 0 वोल्ट, +10, +20, +90, 100, 80, 60 ऐसा आपको रैंडम कुछ भी वोल्टेज दिखता रहते हैं यहाँ आपको, और कंटिन्यूसली वेरिंग वोल्टेज होते हैं ये, ठीक है। फिर कोई भी फिक्स वोल्टेज नहीं आता इस सिस्टम में, ठीक है। ऐसे आपको पॉजिटिव में आते हैं लेकिन कुछ भी रैंडम वैल्यू आता रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज है ये। कुछ ऐसा आपको मेजर करने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अनग्राउंडेड है। आप ग्राउंड के साथ इसको मेजर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको दो पॉइंट तो जरूरी दे रही है। अगर इसको आप ग्राउंडिंग किया तब आपको ये पाथ बनेगा और इसमें करंट जाएगा, इससे आपको वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको एक फ्लोटिंग टर्मिनल है, लाइक आप वोल्ट मीटर को आप या वोल्ट मीटर को या नहीं है तो मल्टीमीटर को एक टर्मिनल में लगा दिया, दूसरा टर्मिनल ऐसा खाली छोड़ दिया तो क्या मिलेगा वोल्टेज? ऐसे ही इट इज ऑल्सो सेम थिंग, ठीक है। जो भी आपका सिस्टम में इसका लीकेज कैपेसिटेंस है, इसी वजह से वो कैपेसिटेंस चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज, उसकी वजह से आपको फ्लोटिंग वोल्टेज मिलेगा यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी वोल्टेज दिखता रहता है बिकॉज ऑफ लीकेज कैपेसिटेंस की वजह से, लेकिन आपको कोई भी फिक्स्ड वोल्टेज कभी नहीं दिखेगा। ऐसा आप नेगेटिव टर्मिनल में भी आप लगा दीजिए पॉजिटिव का, तब आपको नेगेटिव में कुछ भी वोल्टेज दिखता रहता है फ्लोटिंग टर्मिनल, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हम बता रहे हैं अनग्राउंडेड सिस्टम में आपको वोल्टेज डिटेक्ट करना, मतलब ग्राउंड के साथ वोल्टेज मॉनिटर करना, आपको फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट करना है तो आपको ग्राउंड के साथ वोल्टेज मॉनिटर करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको अनग्राउंडेड सिस्टम कभी भी यूज नहीं कर सकते बोल रहे हैं फ्रेंड्स हम रिलायबल सिस्टम में, क्योंकि आप यहाँ आपको अनग्राउंडेड सिस्टम यूज़ कर दिया तो आपको क्या हुआ, आपको फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट को आप मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट को मॉनिटर करना है तो आपको सबसे पहले ग्राउंड के साथ वोल्टेज मेजर करना है, और वो वोल्टेज कभी भी जीरो हुआ है तो तब आपको एक ग्राउंड फॉल्ट है सोचकर हम अलार्म दे सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो रहे। जैसे आप कहीं पे भी आप ग्राउंड फॉल्ट लगा के ऐसे देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी रैंडम वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है, तब आपको पता ही नहीं चलते है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जैसे मैं पहले बताया था, हम किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड नहीं करते हैं, हम लोग दोनों टर्मिनल से हमको मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारा सर्क्यूट है दोनों में जा रहे हैं, प्लस माइनस जो भी आपको दोनों रीड है हमारा सर्क्यूट में जा रहे हैं, इसीलिए आपको किसी में भी आपको फॉल्ट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक ग्राउंड पॉइंट बनाते हैं, ऐसा बना देते हैं फ्रेंड जैसे हम लोग यहाँ देख लीजिए, पॉजिटिव से लेकर एक रेसिस्टेंस वैल्यू लिया था, बहुत हाई रेसिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, बहुत ही हाई रेसिस्टेंस वैल्यू ले लिया, और नेगेटिव से भी ऐसा बहुत ही हाई रेसिस्टेंस वैल्यू ले लिया, और इसका जो मिडिल पॉइंट में इसका ग्राउंड बना दिया फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में, ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में बना दिया। तो क्या होगा अभी, एज पर वोल्टेज रूल है फ्रेंड्स, ये आपको दोनों इक्वल रेसिस्टर्स है, तब आपको क्या होगा, करंट सेम है, सो आई इंटू आर इसका वोल्टेज और आई इंटू आर इसका वोल्टेज दोनों सेम होगा, और एग्जैक्टली इसका हाफ वोल्टेज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो 110 वोल्ट का सिस्टम में इसकी अक्रॉस आपको 55 वोल्ट मिलेगा और इसकी अक्रॉस आपको 55 वोल्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अक्रॉस 55 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड का साथ नहीं है, ग्राउंड का साथ नहीं है, लेकिन इसकी अक्रॉस आपको 55 वोल्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप मेजर कर दीजिए फ्रेंड्स, ग्राउंड का साथ आप मेजर करेगा तो अभी आपका सर्क्यूट कंप्लीट हो गया, ठीक है, सर्क्यूट कंप्लीट हो गया। अभी आप पॉजिटिव में पॉजिटिव लीड लगा दीजिए और नेगेटिव में इस सिस्टम ग्राउंडिंग के साथ आप लीड लगा दीजिए उस ग्राउंडिंग पॉइंट में, तब आपको क्या होगा, पॉजिटिव में +55 और ये ग्राउंड सर्क्यूट बन गया था, सर्क्यूट थ्रू हो गया था, तो आपको 55 वोल्ट ये मल्टीमीटर आपको रीड करेगा, ठीक है। तो जस्ट ऐसे इस स्कीम बनाने से क्या हो रहा है, हमको सिंपली हमको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसका वोल्टेज हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली हम वोल्टेज मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ऐसे करेंगे तो आपको +55 वोल्ट मिलेगा, ऐसे आपको नेगेटिव में भी आप मॉनिटर कर दीजिए, नेगेटिव में भी आप यहाँ लगा दीजिए तो आपको -55 वोल्ट मिलेगा, अगर इसका पॉजिटिव लीड को यहाँ लगा दीजिए तो एग्जैक्टली ये जीरो पॉइंट हो गया, क्योंकि ये जीरो जीरो है, सेम वोल्टेज है, इसके साथ ये +55 वोल्ट मिलेगा और इसके साथ ये -55 वोल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी फॉल्ट आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी फॉल्ट आता है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट ए एक ग्राउंड हो गया फ्रेंड्स, पॉजिटिव कम्प्लीटली सॉलिड ग्राउंड हो गया, तब क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस 55 वोल्ट में, इसमें क्या होगा आपको पूरा ग्राउंड हो गया, तो इसमें आपको जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो आप इस रेसिस्टेंस वैल्यू को जो प्रॉपरली डिज़ाइन का टाइम पर वेरी करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग 10 mA या 20 mA तक वैल्यू रखते हैं। अगर इसका अक्रॉस कम्प्लीटली यहाँ पॉजिटिव कम्प्लीटली ग्राउंड हो गया यानी ये तो नेगेटिव कम्प्लीटली ग्राउंड हो गया, तो उसमें आपको मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट जाएगा। सिंगल अर्थ फॉल्ट में जो मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट होगा वो हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग है, सो हमारा हाथ में ही है, जो रेसिस्टेंस आप सेलेक्ट करेगा उसके हिसाब से आप मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट को, आप फर्स्ट मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट को मतलब फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट करंट को आप जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को आप डिजाइन कर सकते हैं बाई सिंपली चेंजिंग दिस रेसिस्टेंस वैल्यू, लेकिन इक्वल रेसिस्टेंस वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, सो आपको कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हाई रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग है सो हम लोग जनरली हम लोग 10 to 20 mA तक इसको रखते हैं। ठीक है, हमारा रिलायबल सिस्टम में, ठीक है आपको और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये हमको मिनिमम डिटेक्टेबल वैल्यू है, इससे और नीचे आएगा तो हमको सेंसिटिव इश्यू आ जाएगा, इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम लोग जनरली 10 से नीचे नहीं रखते हैं और 10 to 20 के बीच में कोई भी वैल्यू जनरली रख लेते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग इस रेसिस्टेंस को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली हमारा 55 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 mA है वो होगा हमारा ये रेसिस्टेंस वैल्यू और ये रेसिस्टेंस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट होगा, तब क्या होगा फॉर एग्जांपल कम्प्लीटली डीसी अर्थ फॉल्ट हो गया, ठीक है तब आपको सिस्टम का वोल्टेज प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, ये आपको 0 वोल्ट हो जाएगा और ये आपको 110 वोल्ट हो जाएगा। अगर इस मल्टीमीटर से आप रीड करोगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, आपको इस केस में अगर यहाँ पॉजिटिव फॉल्ट है तब आपको यहाँ आपको 0 वोल्ट दिखेगा प्लस 0 वोल्ट, और अगर आप नेगेटिव में लगा देगा तो आपको -110 वोल्ट दिखेगा, मतलब आपको वोल्टेज का प्रोफाइल चेंज हो गया। जैसे पहले आपको बिल्कुल सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट नहीं है तब आपको एग्जैक्टली इक्वल वोल्टेज मिलेगा आपको, प्लस 55 वोल्ट -55 वोल्ट। अगर आपको ये प्रोफाइल आपको कभी भी चेंज हो रहे हैं, जिस साइड आपको वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं इसकी ऑपोजिट साइड आपको ग्राउंड फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, या जिस साइड आपको वोल्टेज कम हो रहे हैं उस साइड आपको ग्राउंड फॉल्ट है, यही आपका थंब रूल है। सो जिस साइड अगर आपको ये सॉलिड सी ग्राउंड है डायरेक्टली ग्राउंड हो गए तो उस पोटेंशियल आपको 0 हो जाएगा और वोल्टेज कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा अदर वे, ठीक है, क्योंकि इस रेजिस्टर में पूरा आपको ये करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये ऐसे हमको फॉर एग्जांपल ऐसे आपको नेगेटिव फॉर एग्जांपल ग्राउंड हो गया, कम्प्लीटली नेगेटिव ग्राउंड हो गया है तो आपको यहाँ आपको पॉजिटिव में आपको प्लस 110 वोल्ट मिलेगा और नेगेटिव के साथ 0 वोल्ट दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई भी आपको हाई इंपेडेंस ग्राउंडिंग है, कोई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग है, बहुत बार क्या होता है ऐसे आपको इंसुलेशन डैमेज होकर आपको पार्शियली इंसुलेशन कुछ रेसिस्टेंस से थोड़ा आ जाए, पहले इंसुलेशन का गीगा ओम में अभी किलो ओम में मेगा ओम में आ गया तो कुछ हाई रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग हो गया। ठीक है, इसका उसकी वजह से क्या होगा आपका, यहाँ आपको कुछ मतलब यहाँ 40 वोल्ट मिलेगा और बाकी 70 वोल्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको या नहीं है तो यहाँ आपको सिंपली 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ आपको 100 वोल्ट मिलेगा, ऐसा आपको इसको मतलब आपको पार्शियल रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग है। अगर आपको सॉलिड भी ग्राउंडिंग हुआ है तो कम्प्लीटली एक साइड आपको वोल्टेज मिलेगा, दूसरी साइड आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, सो सिंपली ऐसा मेथड करने से हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं, सो हम लोग ईजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अर्थ फॉल्ट हुआ है तो। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा हम लोग जनरली कोई भी यूपीएस सिस्टम में, यहाँ आप मैं बैटरी का सिस्टम दिया था, यहाँ बैटरी का सिस्टम का जगह आप कोई भी बैटरी चार्जर ले लीजिए, उसमें भी आपको ये डिटेक्शन मेथड में यही टेक्निक यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा इसका वोल्टेज अर्थ का साथ मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेगा तो जो सिस्टम आप देखेगा तो उसमें आपको एग्जैक्टली इक्वल वोल्टेज मिलेगा, आपको एग्जैक्टली वोल्टेज में इक्वल वोल्टेज मिल रहे हैं, मतलब ये आपको डिटेक्शन टेक्निक है, ये डिटेक्शन कार्ड है या रिले है कुछ भी है वो आपको कहीं ना कहीं पे लगा हुआ था, इसीलिए आपको इक्वल वोल्टेज मिल रहा है इस साइड और इस साइड। अगर आपको इस साइड और इस साइड किसी भी अर्थ का साल अगर आप मेजर कर रहे हैं आपको कुछ भी रैंडम वोल्टेज मिल रहे हैं ड्यू टू लीकेज कैपेसिटेंस की वजह से, तब आप समझ सकते हैं ये सिस्टम है आपको अनग्राउंडेड सिस्टम है।
ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका सिंपल टेक्निक है। आपको ये सिस्टम अनग्राउंडेड है या नहीं है तो हाईली रेसिस्टिव ग्राउंडिंग है, वो आपको पता करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत ये आपको मतलब बैटरी या बैटरी चार्जर का सिस्टम में बताया था। सिमिलरली आप यूपीएस सिस्टम से, जैसे यूपीएस सिस्टम भी रिलायबल सप्लाई में आते हैं, यूपीएस सिस्टम में भी देखेगा तो जनरली इसको एक सिंगल ग्राउंड फॉल्ट का वजह से इसका जो यूपीएस का जो रिलायबल लोड है, लाइक वो एक प्लांट का पीएलसी सिस्टम को या डीसी सिस्टम को फीड करते हैं, उसमें एक सिंगल अर्थ फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से आप पूरा पीएलसी को बंद करोगी, दैट इज रॉन्ग। मतलब वो आपको रॉन्ग, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग ऐसा हाई रेसिस्टिव ग्राउंडिंग मेथड का थ्रू हम लोग इसका जो फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट को हम लोग डिटेक्ट कर देंगे और इसको सेफली आइसोलेट करके हम लोग इस पर काम करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे, इसके बाद इसको नॉर्मल कर सकते हैं, सो दैट कभी भी इसको सेकेंड अर्थ फॉल्ट तक नहीं पहुंचेगा और ये कभी भी आपको सिस्टम को लो या लोड को आपको इंटरप्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो यूपीएस सिस्टम में भी सेम है। अगर आप ऐसे सिस्टम में आप मेजर करेगा तो फेज में आप मेजर करेगा तो आपको +55 वोल्ट मिलेगा और न्यूट्रल में मेजर करेगा तो -55 वोल्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। सो सेम चीज़ है, आपको कभी भी ग्राउंड हुआ है तो आपको पूरा वोल्टेज दूसरे में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फेज ग्राउंड हो गया, ठीक है, फेज डायरेक्टली ग्राउंड हो गया तो आपको न्यूट्रल में पूरा -110 वोल्ट दिखेगा, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड, कुछ कुछ सिस्टम में, मैं अभी एक सिस्टम बताया था, लेकिन कुछ कुछ डेडिकेटेड यूपीएस सिस्टम्स होते हैं या नहीं है तो बैटरी चार्जर का सिस्टम होता है, वो सिंपली एक डेडिकेटेड लोड को फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पीएलसी सिस्टम को फीड कर रहे हैं, उस पीएलसी सिस्टम में कुछ कुछ पीएलसी का पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट ऐसा होते हैं, इसमें आपको 0+110 वोल्ट चाहिए या 0+24 वोल्ट चाहिए या 0+110 वोल्ट एसी चाहिए इसका वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। आप इसको फ्लोटिंग वोल्टेज मतलब एग्जैक्टली ऑफ ऑफ वोल्टेज दे देगा तो वो चलेगा नहीं है। ऐसे कोई डेडिकेटेड सिस्टम से दो तब आपको नॉर्मली विदाउट अर्थ फॉल्ट आपको एक जगह आपको 0 वोल्ट, दूसरे जगह आपको कंप्लीट वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, उसको जनरली कहीं पे यूज नहीं करते हैं, उस सिस्टम में आपको सिंगल अर्थ फॉल्ट से आपको ट्रिपिंग हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल अर्थ फॉल्ट से ट्रिपिंग हो सकते हैं, ऐसे कोई सिस्टम है तो आप पहले बताने से क्या होगा, आपका जो चार्जर है या यूपीएस सिस्टम में अंदर ही आपको बहुत ही मोटा वायर या नहीं तो बस बार से इसका जो ग्राउंडिंग का साथ, इसका यूपीएस या बैटरी चार्जर का इसका ग्राउंडिंग का साथ कनेक्ट करेगा या नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंडिंग का साथ इसको कनेक्ट करेगा, सो दैट ये आपको मतलब बहुत सॉलिड ग्राउंडिंग करेगा और आपको उस केस में कोई भी सिंगल अर्थ फॉल्ट में आपको पूरा लोड को काटना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस में आपको ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में आपको बैटरी चार्जर या बैटरी या नहीं है तो आप वो कहीं पे भी यूपीएस सिस्टम को देख लीजिए, आपको एकदम ऑफ ऑफ वोल्टेज इक्वल वोल्टेज दिखेगा, क्योंकि आपका हाई रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग ऐसे एक डिटेक्शन मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली इसको प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ये हमारा एक बैटरी चार्जर का सिस्टम है, ठीक है, एक HBL मेक का बैटरी चार्जर सिस्टम है, इसमें देखेगा तो ये हमारा डीसी अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग कार्ड है ये, ठीक है फ्रेंड्स। डीसी अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग कार्ड में इसमें देखेगा तो ये हमारा डीसी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लिया और एक टर्मिनल इसका अर्थिंग है। इसका कार्ड का देखेगा तो इसका कार्ड में दो रेसिस्टर आपको दिखते हैं, ये एक एनालॉग चार्जर है, ये एनालॉग चार्जर में दो इक्वल रेसिस्टर्स आपको दिखते हैं और इसका मिडिल पॉइंट से ये इसका टर्मिनल नंबर 9 है, मिडिल पॉइंट से आता है इसका ग्राउंडिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। ग्राउंडिंग में आते हैं ये, बेसिकली ये कार्ड भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका काम है, जो दो इक्वल रेसिस्टर्स और मिड पॉइंट है ग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मिड पॉइंट ग्राउंड कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ये मिड पॉइंट ग्राउंड है जो हमारा लोड है, जो हम लोग लोड लेकर जा रहे हैं वो लोड कहाँ ग्राउंडिंग हो सकते हैं, हमारा सिस्टम का ग्राउंडिंग का साथ ही हो सकते हैं, कहीं पे पैनल का साथ टच कर सकते हैं या नहीं तो कहीं लैंड पे वो टच कर सकते हैं, तो उसी ग्राउंडिंग है हमारा जो सिस्टम ग्राउंडिंग है उसी में ही ये भी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट इस ग्राउंड को हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम मेथड है, इसमें भी दो इक्वल रेसिस्टर्स होगा और मिड पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 से हमारा अर्थ हो रहा है, ठीक है। इससे हम लोग इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, इसका वोल्टेज को बाई मिली एम्पियर है, ये दोनों रेसिस्टर में आपको मिली एम्पियर मॉनिटर करते हैं और इसमें कभी भी आपको 5 मिली एम्पियर का ऊपर जाते हैं
ठीक है, वो तुरंत आपको एक अनाउंसिएशन दे देते हैं कंट्रोल कार्ड में, डीसी एट फॉल्ट, आपको जिस रेसिस्टेंस में, इस साइड आपको अगर मिली एम्पियर आते हैं तो वो पॉजिटिव एर्थ फॉल्ट दिखाते हैं, अगर इस साइड आते हैं तो वो नेगेटिव एर्थ फॉल्ट दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों से नहीं है, ठीक है, अब तब अगर आपको इसके बीच में अगर मल्टी एम इसका एमीटर लगाया है, मतलब संट का थ्रू हम अगर करंट मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये कॉमन अर्थ फॉल्ट किसी में भी अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है, अगर आपको बहुत सस्ता बनाना है तो यहाँ एक संट लगा के और इसकी अगर करंट मेजर करेगा तो इसमें करंट कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि वो सिंगल ग्राउंड है हमारा सिस्टम पे, इसके साथ कोई और सिस्टम का ग्राउंडिंग मिलेगा तो तब भी आपको ये मिली एम्पियर रीड करेगा, ठीक है। अगर उसमें उस मिली एम्पियर में आप 5 या 5 एम्पियर या 3 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर है, सॉरी 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, जो आपको सेंसिबल सेटिंग है, जो आपको सेटिंग है उससे आपको कोई भी माल ऑपरेशन नहीं होगा, जो मिनिमम सेटिंग है उसको आप लगा के, यहाँ लगा के आपको डीसी अर्थ फॉल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी अगर अर्थ फॉल्ट हो गया है तो आप इसका इसका करंट का ऊपर से हम लोग इसका अलार्म जनरेट कर सकते हैं, यानी ये तो अलग दो अलग अलग संट या मिली एम्पियर मीटर लगाने से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग आपको बता सकते हैं, पॉजिटिव ग्राउंड फॉल्ट है या नेगेटिव ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको सिंपली ऐसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कार्ड है, इसके बाद है फ्रेंड्स, आपको कहीं पे यूपीएस सिस्टम्स में देखेगा तो, यूपीएस सिस्टम्स में देखेगा तो जैसे ये एबीबी का एक रिले लिया था मैंने, ये हमारा इंसुलेशन रेसिस्टेंस मॉनिटरिंग रिले है, ऐसे ये रिले का अगर देखेगा तो ये रिले का कनेक्शन ऐसे ही है जैसे हमारा डीसी सिस्टम है, ठीक है। ये डीसी सिस्टम में इसको हम लोग को ये दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट किया था, और हमारा जो सिस्टम अर्थिंग को ये अर्थिंग का साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्टिव अर्थिंग जो है उसी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो कनेक्ट करने के बाद इसी के अंदर भी ऐसे ही मैकेनिज्म है, सो दैट ये हमेशा इसका जो मिली एम्पियर है विद पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू ये सिस्टम ग्राउंड और नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ये सिस्टम ग्राउंड हमेशा देखते हैं, और इसके हिसाब से इसका जो वैल्यू है, इसका जो IR वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू है उसको मेजर करता रहता है। बेसिकली यहाँ भी आपको मिली एम्पियर का थ्रू आपको IR वैल्यू है, ठीक है। IR वैल्यू मतलब क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली आइडियली आपको क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ आपको फॉर एग्जाम्पल जो रेजिस्टेंस वैल्यू, जो वैल्यू है वो ही इसका IR वैल्यू होना चाहिए आइडियली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस वैल्यू मेरा फॉर एग्जाम्पल 900 किलो ओम है, या नहीं तो 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो आइडियली इसका IR वैल्यू है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या नहीं तो फेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, आपको क्या होना चाहिए, उतना ही वैल्यू होना चाहिए, 1 मेगा ओम वैल्यू। ऐसे आपको नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका IR वैल्यू है 1 मेगा ओम में आना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो आपको इससे नीचे कभी भी आता है तो फिर ये आपको डिटेक्ट करते हैं, इसमें भी आपको सेम है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू हमको पता है, वोल्टेज पता है हमको, इसके अंदर जो करंट है हमको मॉनिटर करना है, जो करंट इससे ऊपर जाता है आपको करंट जो वो ऊपर जाता है इसको हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वोल्टेज भी इसका करंट है जो IR वैल्यू है, अगर इससे ऊपर नीचे आता है तब हमको क्या करना है, इस रिले में आपको ये आपको करंट बेस्ड है, ये आप बेसिकली आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस बेस्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो करंट मॉनिटर करके इसका वोल्टेज का मॉनिटर करते हैं, वोल्टेज बे करंट है, ये डिजिटल सिस्टम है, वोल्टेज बे करंट करके इसका IR वैल्यू मॉनिटर करते हैं, इसका जो IR वैल्यू जो इसका सेटिंग लगाया था, जैसे यहाँ देखेगा तो दो सेटिंग है, यहाँ इस ये पॉट से इससे हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे किलो ओम में, ऐसे एक और पॉट रेजिस्टेंस वैल्यू है ये इसका है, ठीक है। तो ये दोनों पॉट वैल्यू को आप एडजस्ट करके ये दोनों को समेशन जो आएगा वो हमारा IR वैल्यू का सेटिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। तो जो IR वैल्यू का वो हमारा सेटिंग है, इसका ऊपर आपको कुछ भी आता है तो ये बेसिकली हमारा ये रिले आपको डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिले डिटेक्ट करते हैं। ऐसे कुछ कुछ रिलेस आते हैं उसमें आपको ये पॉट अलग अलग भी हो सकते हैं, पॉजिटिव का डिटेक्शन के लिए एक पॉट और नेगेटिव का डिटेक्शन के लिए एक पॉट, ठीक है।
ऐसे भी आपको सेटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली एक ये बेसिकली ये रेसिस्टेंस वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, ये बेसिकली जिस वैल्यू पे आपको ये आपको डिटेक्शन देना चाहिए इसका अर्थ फॉल्ट है बोलकर, सो दैट हम लोग आकर इसका जो अर्थ फॉल्ट को हम लोग हटा सकते हैं, इस अर्थ फॉल्ट को हम लोग क्लियर करके और हमारा सिस्टम को इंटरप्ट नहीं होने देंगे, ठीक है, उस सेटिंग हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये रेसिस्टेंस वैल्यू नहीं है। तो हमको जैसे एक बार ये सिस्टम आ गया तो आपको पॉजिटिव का चाहिए तो अलग सेटिंग रख सकते हैं, नेगेटिव का चाहिए तो अलग सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो दोनों को एक कुछ कुछ रिलेज में ऐसा ऑप्शन नहीं रहते हैं, एक ही सेटिंग रखते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी है, आपको उस सेटिंग पे आपको ये डिटेक्शन है, ये अलार्म आ जाएगा आपको, ठीक है, यानी ये तो टोटल पे सेटिंग रहते हैं, ठीक है, जैसे हम बताया था, ठीक है, ये बेसिकली इस रिले में आपको एक ही वैल्यू है, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है, इस IR वैल्यू से अगर नीचे आया तब ये रिले आपको अलार्म देगा। इसमें आपको R1 और R2 दो सेटिंग है, दोनों को सम करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा सेटिंग है IR वैल्यू का, वो वैल्यू से नीचे कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव का आएगा तो ये रिले क्या होगा, इसका कॉन्टैक्ट चेंज करेगा और वो कॉन्टैक्ट से आपको अलार्म से इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमको DC अर्थ मतलब इसका अर्थ फॉल्ट है बोलकर हमको पता चलेगा, ठीक है। अभी एक बार अर्थ फॉल्ट हमको पता चल गया, ठीक है, अर्थ फॉल्ट का इस सिस्टम में आपको अर्थ फॉल्ट है पता चल गया, इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर देंगे हमारा सिस्टम में, फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स, ऐसे हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में हमको यहाँ पता चल, यहाँ हमारा डिटेक्शन सिस्टम है, हमको सेंसिंग किया था, यहाँ हम लोग जो हमारा UPS है या बैटरी चार्जर है या बैटरी बैंक जो भी है, यहाँ हम लोग इस रिले को लगा के यार इसका डिटेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग इसका पॉजिटिव या ग्राउंडिंग या नहीं तो कॉमन सिस्टम पे कहीं पे भी आपको अर्थ फॉल्ट है बोलकर हम लोग डिटेक्ट कर दिया है। अभी इसमें आपको कहाँ अर्थ फॉल्ट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढने के लिए आपको DC अर्थ फॉल्ट या नहीं तो AC अर्थ फॉल्ट के इसका ड्राउजर बोलते हैं या नहीं तो इसका फॉल्ट लोकेशन टेस्टिंग किट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉल्ट लोकेटर भी बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसका कहाँ कौन सी सर्क्यूट में आपको प्रॉब्लम है वो आपको पता चलेगा, उस सर्क्यूट को आप आइसोलेट करके या नहीं है तो उसमें आपको फॉल्ट क्लियर करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं इस वोल्टेज प्रोफाइल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे एक टेस्टिंग किट है फ्रेंड्स, ये हमारा GFL 1000 का एक किट है, ईगल आई का ये किट आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, इस किट में देखेगा तो ये बेसिकली इसका ये हमारा सोर्स है या नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा ट्रांसमीटर यार नहीं है तो सेंडिंग स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको इसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंडिंग स्टेशन है। इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस सिस्टम में, जैसे ये हमारा सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, ठीक है, एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोग ऑलरेडी अर्थ फॉल्ट है हमको पता चल गया है, जिसमें हमको अर्थ फॉल्ट है उसमें हम लोग इसका लीड लगा के उस पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में अर्थ फॉल्ट है, पॉजिटिव में एक लीड लगाएंगे और ग्राउंड का साथ एक लीड लगाएंगे, ठीक है, ग्राउंड का फॉल्ट एक लीड लगा के हम लोग इस सिस्टम में कहाँ अर्थ फॉल्ट है, ठीक है, वो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स हम लोग दे देंगे और एक 9 mA हम लोग इंजेक्ट करेंगे सोर्स से, यहाँ से इंजेक्ट करेंगे सो दैट उस 1 mA आपको सर्क्यूट में कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता कर सकते हैं। वो हम ग्राउंड के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न पाथ क्या होगा, ग्राउंड का थ्रू ही जाएगा, तो जहाँ आपको वो करंट मिलेगा वो सर्क्यूट में आपको ये मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो सर्क्यूट में आपको फॉल्ट है, ठीक है। सो उसके लिए ये हमारा किट है फ्रेंड्स, ये किट में देखेगा तो इसका जो रिसीवर है, बेसिकली ये हमारा रिसीवर है, ये आपको सिग्नल रिसीवर या जो सिग्नल यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये आपको इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन सिस्टम है, इसको आपको ट्रांसमीटर बोल सकते हैं या नहीं है तो इसका जो सोर्स है वो सोर्स से हम लोग इंजेक्ट करके हमारा जो सिस्टम में, एक में ग्राउंड में और दूसरे में जिसमें आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जिसमें आपको इंजेक्ट करना है उसमें आप लगा के हम लोग लगा देते हैं, और ये आपको ये बैटरी ऑपरेटेड या नहीं है तो पावर कनेक्टर ऑपरेटेड है, ठीक है, इसमें हम लोग कितना 1 mA आ रहे हैं उसका वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका वेव फॉर्म से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आपको टच स्क्रीन है उसमें आपको देख सकते हैं, इसको रिसीवर को ऑन करने के लिए पावर स्विच है और इसको डाटा को मतलब आपको कोई लैपटॉप में लेना है तो USB पोर्ट भी दिया गया था,
ठीक है, ये आपको कनेक्शन लगाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्लैंप कनेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें आपको सिंगल है, ये सिंपल आपको क्लैंप, मतलब आपको जैसे टोंग टेस्टर होता है, क्लैंप ऑन टोंग टेस्टर है, क्लैंप ऑन एम्पियर मीटर है, ऐसे ही है ये वाला, ठीक है। सिंपल आपको टोंग टेस्टर जैसे ये लगा देते हैं और उससे आपको कितना एम्पियर ये रीड कर रहे हैं वो आपको बताते हैं रिसीवर से, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये किट है, जैसे हम लोग कैसे करते हैं इसका आप देखेगा तो ये हमारा सोर्स है, ठीक है। ये सोर्स हम लोग जिसमें आपको ग्राउंड फॉल्ट हुआ उसमें हमको लगाना है, जैसा पॉजिटिव में हुआ है तो इस लीड को पॉजिटिव में लगाना है और इसको हमारा सिस्टम ग्राउंडिंग के साथ लगाना है, ठीक है। और ये हमारा रिसीवर है, ये रिसीवर का इसका जो अर्थ कनेक्शन है, जैसे हम बताया था ये टर्मिनल है बेसिकली, ये क्लैंप है, ठीक है। ये क्लैंप से अगर आप इसको मेजरमेंट देखेगा तो इसमें आपको कितना हाई है या मिली एम्पियर का वैल्यू है वो आपको दिख जाएगा यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में सॉरी जो वैल्यू इंजेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ आपको दिखेगा, क्योंकि जो भी आपको सोर्स से जा रहे हैं वही आपको जो मेन करंट है, ये करंट आपको कौन सी सर्किट में मिलते हैं उसी में आपको फॉल्ट है फ्रेंड्स, सिंपल रोल है, ठीक है। सो जैसे इस सर्किट है हमारा, ठीक है, इस सर्किट में आप देखेगा तो फॉर एग्जांपल आपको नेगेटिव में हमारा ग्राउंड फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। नेगेटिव में ग्राउंड फॉल्ट है तो हमको क्या करना है, हमारा जो ग्राउंड सिस्टम है हमारा पॉजिटिव का हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव का हमारा नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिसी में भी फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ फॉल्ट है, तब ये क्या होगा, हमारा इंजेक्शन सोर्स यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से आपको रिटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका पॉथ है, ठीक है। तो जहाँ आपको फाइनली मिलेगा उसी सर्क्यूट में हमारा पूरा करंट मिलेगा, उसी सर्क्यूट में आपको फॉल्ट है फ्रेंड्स। सिंपल हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सोर्स में जो करंट जा रहे हैं वो कौन सी सर्क्यूट में जा रहे हैं उसी सर्क्यूट में आपको फॉल्ट है। उस सर्क्यूट को आपको आइसोलेट करके उसको फॉल्ट को क्लियर करके फिर सर्क्यूट को आपको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको बाकी सिस्टम में कुछ भी इंटरप्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको आसान से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले जो इसका पॉइंट दिया गया था फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेजर करना है ये पॉइंट नंबर वन, टेस्ट पॉइंट वन, इसमें आपको सोर्स से कितना इंजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एम्पियर, उसको आपको मेजर करना है। उसको कैसे मेजर करना है, सिग्नल जनरेटर है बेसिकली, ये सिग्नल जनरेटर है, ठीक है। हम लोग रिसीवर जो हम लोग मेजर कर रहे हैं इसके थ्रू, रिसीवर का थ्रू, ठीक है। कोई भी किट है, कोई भी आपको ग्राउंड फॉल्ट रोटेटर किट है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल यही है, इसमें एक ट्रांसमीटर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, ठीक है। ट्रांसमीटर से हम लोग इंजेक्ट कर देंगे, ट्रांसमीटर के से हम लोग इंजेक्ट करेंगे और इसको ट्रांसमीटर में एक पॉइंट आप सिस्टम ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट को आपको जिस वोल्टेज आपको मतलब आपको कम हो गया, कम वोल्टेज दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसमें लगाना है, नहीं तो जिसमें आपको ग्राउंड फॉल्ट का अलार्म आया उसमें आपको लगाना है। लगा के सबसे पहले जो इसका जो मेन सोर्स से करंट कितना जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको देखने हैं, वो आपको करंट नोट कर दीजिए, वो करंट आपको कौन सी सर्किट में मिल रहे हैं, सबसे पॉइंट नंबर वन है यहाँ आप मेजर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ आपको जो आप क्लैंप लगाया है उससे आपको इस साइड जा रहे हैं आपको फॉल्ट करंट या इस साइड जा रहे हैं वो आपको मेजर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस साइड मेजर करेगा तो आपको बिल्कुल जीरो दिखेगा, क्योंकि फॉल्ट इस साइड है यहाँ, ठीक है फ्रेंड। फॉल्ट इस साइड है तो आपको करंट क्या आएगा, करंट पाते आपको ऐसे जाएगा, आपको इस साइड जाएगा ही नहीं है। तो इस टोंग टेस्ट, इस मेजरमेंट में आपको क्या होगा, आपको एकदम जीरो दिखेगा, कुछ भी करंट नहीं दिखेगा, मतलब इस सर्क्यूट में आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इसके बाद इसका इस साइड पॉइंट में देख लीजिए, इस साइड पॉइंट में आपको सेम वैल्यू दिखेगा, ठीक है फ्रेंड, सेम वैल्यू दिखेगा। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आपको इस लोड में देख लीजिए, ठीक है। फोर्थ या फिफ्थ आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहिए तो आप इस साइड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस साइड देख लीजिए तो क्या होगा, अगर फॉल्ट यहाँ है तो यहाँ भी आपको कुछ भी करंट ये जाएगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये करंट है आपको इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं, इस फॉल्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको यहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये सर्क्यूट में भी आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आपको क्लैंप आगे बढ़ा दीजिए, इस सर्क्यूट के बाद आप देख लिया तो फिर से आपको सेम करंट दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये करंट का पाथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ आपको ग्रीन डायरेक्शन है, जो ग्रीन का डायरेक्शन है उसी पाथ में आपको करंट दिखेगा, ठीक है।
तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको करंट मिल जाएगा। इसके बाद है आपको चाहिए तो आप इसमें मेजर कर दीजिए और इसमें मेजर कर दीजिए। पहले मैं इसमें मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें मेजर करने से आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल करंट जीरो आ रहा है, ठीक है। आपको करंट कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि फॉल्ट इस साइड है, तो कुछ भी नहीं जा रहा है। तो आप फिर इसके बाद लॉस्ट मेजरमेंट आप इसमें देख लीजिए, इसमें आपको एग्जैक्टली मैच हो जाएगा या नहीं है, तो इसकी फॉल्ट करंट आपको वैल्यू आ जाएगा। सो इसकी मतलब है फ्रेंड्स, आपको फॉल्ट है, इस सर्क्यूट में फॉल्ट है। सो इस सर्क्यूट को, इसका जो करस्पॉन्डिंग MCB है या आइसोलेटर है, उसको बंद करके आप इसमें जो भी फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है, उस फॉल्ट को आप आइसोलेट करके, ठीक है, वो आइसोलेट करके आप उसको फिर नॉर्मल, जब आपको इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू देख लीजिए विथ मैगर का साथ, अगर वो वैल्यू सही है तो फिर इस सिस्टम को लाइन में ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपको वोल्टेज प्रोफाइल मैच हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका जो टेस्टिंग मेथड है, ठीक है, ये बेसिकली किट के थ्रू हम लोग करते हैं। आप कितना भी बड़ा सर्क्यूट है, आप ऐसे ऐसे देख के पूरा सर्क्यूट में आपको इसमें देखना पड़ेगा फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। इसकी बात, ये हमारा किट के थ्रू है, लेकिन आपको कोई रॉ मेथड है फ्रेंड्स, रॉ मेथड मतलब क्या है, आपको कहीं पे भी आपको किट नहीं है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये इतना एक्सपेंसिव किट आपके पास है ही नहीं है, तब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको कभी भी आपको ये एर्थफॉल्ट का अलार्म आ गया, फॉर एग्जाम्पल एर्थफॉल्ट का अलार्म आ गया, तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको पता चल गया तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, नहीं है तो आपको कोई भी एर्थफॉल्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, आपको बेसिकली क्या हो रहे हैं, इसका जो वोल्टेज प्रोफाइल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हो रहे हैं। जैसे 110 वोल्ट का सिस्टम में अगर कोई भी ग्राउंड फॉल्ट नहीं है तो आपको यहाँ -55 वोल्ट मिलेगा, यहाँ आपको +55 वोल्ट मिलेगा। अगर इसमें आपको कुछ भी अंतर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ -30 वोल्ट है और रिमाइनिंग से आपको 85 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी रिमाइनिंग 80 वोल्ट आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो आपको नेगेटिव में अर्थ फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको जिसमें आपको ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल इसको आप बंद कर सकते हैं, जैसे हमारा स्विच गियर सिस्टम है, अगर वही कंट्रोल सप्लाई में अगर आपको जा रहे हैं, अगर इसको एक बार बंद करने से कोई इंटरप्शन नहीं होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस सेक्शन का, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्विच गियर सेक्शन है, उसका मेन DC को आप बंद कर दीजिए। इसके बाद इसका वोल्टेज प्रोफाइल, मतलब जैसे पहले ये +55 -55 आ रहा है, तो उसी सेक्शन में फॉल्ट है, फिर उस सेक्शन में आ गए, एक एक DC को आप बंद करके इसको, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ DC अर्थ फॉल्ट है, ठीक है, इसी सिस्टम में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ DC अर्थ फॉल्ट है, मेरे पास किट नहीं है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लोड को मैं काट देता हूँ, काट दिया तो इसका वोल्टेज प्रोफाइल तो इम्प्रूव नहीं होगा, जैसे पहले ही ऐसे ही रहेगा। जैसे इसका नेगेटिव में अर्थ फॉल्ट है, तो नेगेटिव में फॉर एग्जाम्पल -20 वोल्ट है, पॉजिटिव में +90 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको बंद करने के बाद भी ऐसे ही मिलेगा -20 +90। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लोड को बंद करता हूँ, इसके बाद भी क्या होगा, आपको सेम मिलेगा क्योंकि इसमें भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, -20 +90, तो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं भी इसमें भी फॉल्ट नहीं है। इसके बाद हम लोग इसको बंद करेंगे, इसको बंद करने के बाद तुरंत आपको यहाँ -55 और यहाँ +55 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ आपको सर्क्यूट बहुत ही छोटा है, लोड्स बहुत मिनिमम लोड से है, फिर उस एप्लीकेशन में आप सिंपली आप ऐसे आपको, मतलब थंब रूल से, मतलब आपको रैंडम है, मतलब ये थोड़ा हार्डकोर मेथड है, लेकिन आप इससे भी आपको बहुत जल्दी और बहुत इकोनॉमिकली आप इसका अर्थ फॉल्ट को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको जो सिस्टम में आप ऐसा बंद नहीं कर सकते हैं, तब आपको ऐसे DC अर्थ फॉल्ट ग्राउंड टेस्टर या नहीं है तो ड्राउजर से आप इसका लोकेशन को पकड़ के इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको क्लियर नहीं करेगा तो सेकंड अर्थ फॉल्ट में पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ये आपका सिस्टम ही इसका सोर्स ही ट्रिप हो जाएगा। आपको पूरा लोड को काटना है या नहीं है, तो जो लोड अफेक्टेड है उसको काटना है, वो आपको डिसाइड करना है, इसीलिए ये आपका लोकेशन फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।